हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वाति'स वर्ल्ड एंड लाइफस्टाइल। दिस इज स्वाति। फ्रेंड्स, आज मैं एक शॉपिंग हॉल का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और कुछ लोकल मार्केट से, तो वो सारी शॉपिंग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। फ्रेंड्स, ये मेरा थोड़ा सा होम डेकोर से रिलेटेड है, थोड़ा सा क्लोथिंग है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें खरीद कर लाई। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपके हैं ये जयपुरी वॉल हैंगिंग है। ये यहाँ पर ये इसमें हाथी बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर इस पर वर्क हो रहा है, पेंटिंग हो रही है बहुत अच्छी। और यहाँ पर थोड़ा सा ये डिटेलिंग में आप देख सकते हैं, तीन उसका है ये। आप कहीं पर भी इसको वॉल हैंगिंग के उसमें टांग सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। फ्रेंड्स, इसका पेयर है, एक और पीस है इसके साथ में, प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर, तो ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है तो उसकी भी तैयारियां ज़ोरों पर हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑनलाइन लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। फ्रेंड्स, दूसरा पीस मैंने इसका ये वाला ख़रीदा है, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एलिगेंट लुक आएगा इससे। अगर आप इसको, जो हमारा गेट होता है, आप कहीं पर भी इसको लगा सकती हैं, दीवार पर भी इसको हैंग कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये छतरी सी दी हुई है, ये इस तरह से बर्ड्स बने हुए हैं, पिकॉक है, यहाँ पिकॉक बने हुए हैं और नीचे ये घंटी दी हुई है इस तरह से। और फ्रेंड्स, मोती का वर्क हो रहा है, बहुत ही प्यारा वर्क हो रहा है। और फ्रेंड्स, पेंटिंग तो बहुत ही लाजवाब है इसकी, औसम है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी गोटा पट्टी का वर्क हो रहा है और यहाँ पर सारी मोती से, और ये टैसल हैं या क्या हैं, बहुत ही सुंदर पॉम पॉम जो होते हैं वो बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे ये है, बहुत ही प्यारा पीस है, गणेश जी हैं इसमें ये बने हुए हैं। फ्रेंड्स, कांच के हैं या मिट्टी के हैं, आई थिंक ये मिट्टी के बने हुए हैं गणेश जी, और उस पर बहुत ही अच्छी पेंटिंग की हुई है। फ्रेंड्स, सारा जितना भी ये है, सब ये जयपुर का वर्क है, सब जयपुरी उसमें आते हैं ये वर्क में, आप देख सकते हैं। आप इसको अपने मेन गेट पर भी हैंग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ पर ये घंटा बना हुआ है, घंटी बनी हुई है और यहाँ पर भी मोती का वर्क दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं गणेश जी, ये देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट मंगाए हैं मैंने ये, मैंने यूज़ कर लिए इसको, साइड में मैं आपको दिखाती जाऊँगी। फ्रेंड्स, जो हमारे स्विच होते हैं तो वहाँ पर हमारा बार बार हाथ लगता है और वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर मैंने फ्रेंड्स ये मीशो से ऑर्डर किया था, इस तरह के ये स्टिकर आते हैं, यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही बचा है क्योंकि मैंने सारे वहाँ पर चिपका दिए हैं। साइड में मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि ये लगाने के बाद किस तरह के लगते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, चीप एंड बेस्ट का हॉल तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने मंगाए हैं फ्रेंड्स ये कड़े की सेट, ये आप देख सकते हैं, ये देख फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही कलरफुल हैं, किसी पर भी आप इसको पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, कांच के ही हैं ये कड़े और इसको आप पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये, ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, कांच की चूड़ियाँ पहनना तो वैसे भी हमारे तीज त्यौहार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है, तो फ्रेंड्स ये मैंने कांच की कड़े खरीदे हैं इसीलिए। और फ्रेंड्स, और ये भी मैंने ख़रीदे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है लेकिन मुझे पसंद आ गए थे, ये थोड़े से उभरे हुए हैं, ये यहाँ से इसकी डिटेलिंग दी हुई है, और ये जो थे ये प्लेन में थे, हैं दोनों एक जैसे बट डिफरेंट हैं, ये आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, नग लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं पहनने के बाद, तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, इस तरह की बॉक्स में अवेलेबल हैं ये। और फ्रेंड्स, ये इस तरह से आते हैं, कोई टूटने का झंझट नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं इस पीस की, तो ये इस तरह से है कुछ, फ्रेंड्स शेल्फ वाला है, फोर शेल्फ का, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने अपना सामान भी भर लिया है, मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही गहरा है ये और अंदर तक है, आपका इसमें काफ़ी सामान आ जाएगा इसमें। आप, मैंने तो फ्रेंड्स इसमें अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स रख रखे हैं, आप चाहें तो इसमें
मेडिसिन्स वगैरह हैं या रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने सारी चीज़ें ये रख रखी हैं, इसमें मैंने सारे लाइनर्स रख रखे हैं और इसमें मैंने एसेंशियल ऑयल हैं, सीरम वगैरह हैं वो रख रखे हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा होम डेकोर का सारा सामान कि हमने क्या क्या चीज़ें अपने घर को सजाने के लिए रखी। अब कुछ हमारा पहनने के लिए भी होना चाहिए कि हम भाई फेस्टिवल पे कैसे रेडी होंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने परचेज़ की है मैंने जैकेट। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगी मुझे, आई रियली लाइक इट। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स जो जीन्स का जो कपड़ा होता है वही कपड़ा है बिल्कुल जीन्स वाला और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिक्चर में आपको साइड में दिखा दूंगी पहने हुए कि मैं कैसी लग रही हूँ इसमें और आप देख सकते हैं शॉर्ट लेंथ में है ये फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फुल स्लीव्स हैं इसकी, इस तरह से आप देख सकते हैं शॉर्ट जैकेट है जैसा लेदर में डिज़ाइन आता है लेदर जैकेट्स में, बिल्कुल डिज़ाइन इसका वही दे रखा है। यहाँ पर दो पॉकेट दी हुई हैं साइड्स में ये रिंग और फ्रेंड्स इसके बटन्स भी जो दिए हुए हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यारा है आप देख लें। फ्रेंड्स ये मैंने एक्सल साइज में मंगाया है, मेरा एक्सल साइज है, आप कोई सा भी कलर मंगा सकते हैं, कोई सा भी साइज मंगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। स्लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो स्लीव्स की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबी है और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स इसकी विड्थ भी है, आप इसके नीचे आप कोई भी स्कीवी वगैरह डाल सकती हैं और उसके ऊपर इसको वियर कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। साड़ी पर भी आप इसको वियर कर सकती हैं, सूट पर पहन सकती हैं, जीन्स पर तो ये एवरग्रीन है ही, पूरे आपके ये जो हल्की गुलाबी सर्दियां हैं ये उसको बिल्कुल कवर करेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करेंगे ये साड़ी की, इसको मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स साड़ी मैंने पहली बार मीशो से परचेज की है और आप बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आई, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने अभी ओपन भी नहीं की है, बहुत ही प्यारा पीस है ये और इसमें सारा मोती वर्क दे रखा है ये देखिए, और गोल्डन वर्क में है, नक का वर्क है और फ्रेंड्स ये नेट पर रेशम की कढ़ाई दी हुई है। फ्रेंड्स पूरी साड़ी पर ये एम्ब्रॉयडरी है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये प्लेन मिलेगी साड़ी, ये प्लेन मिलेगी यहाँ से और फ्रेंड्स उसके बाद आप ये देख सकते हैं नीचे सारा ये स्कर्ट से स्टार्ट हो जाता है डिटेलिंग इसकी, ये देखिए फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स यहाँ से इसका पल्ला स्टार्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स बहुत सारे इसमें कलर्स अवेलेबल थे बट मेरे पास ग्रे कलर की कोई भी साड़ी नहीं थी तो इसलिए मैंने ग्रे कलर यहाँ से परचेज़ किया है। फ्रेंड्स ब्लू कलर में भी बहुत सुंदर लग रही थी बट ब्लू कलर की मेरे पास हैं दो तीन साड़ियाँ और इस कलर की मेरे पास एक भी साड़ी नहीं थी तो फ्रेंड्स मैंने ये ऑर्डर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो इतनी नेट की साड़ी है, अब इसके लिए अलग से हमें पेटीकोट परचेज़ करना पड़ेगा क्योंकि नेट की साड़ी में हम सिंपल पेटीकोट तो पहन नहीं सकते, तो फ्रेंड्स उसके लिए भी चिंता मत कीजिए, मीशो ने दिया है आपको इसके साथ ये सैटिन का पेटीकोट के लिए 2 मीटर का ये कपड़ा, तो फ्रेंड्स ये आप पेटीकोट बनवा सकते हैं अपना। ब्लाउज़ की मैं अगर बात करती हूँ तो ब्लाउज़ में भी आपको दिखाती हूँ, देखिए बेंगलोरी सिल्क में ब्लाउज़ दिया है ये इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरी साड़ी पर पूरी इस पर वर्क दे रखा है ये यहाँ पर, और जैसा पल्ले पर था वर्क वैसा ही यहाँ पर गले पर दिया हुआ है और फ्रेंड्स ये स्लीव्स दी हुई हैं इधर, ये देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इतने प्राइस में मुझे ये बहुत ही फायदे का सौदा लगा तो मैंने इसको ये ऑर्डर कर दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साइड में मैं आपको दिखा दूंगी इसे पहनकर कि मैं कैसी लग रही हूँ, हो जाएगा तो पहनकर दिखा दूंगी अदरवाइज कोई बात नहीं। फ्रेंड्स नेक्स्ट साड़ी ली है मैंने ये आप देख सकते हैं, ये मैंने फ्रेंड्स मार्केट से परचेज की थी अपने लोकल मार्केट से और प्राइस सबके मैंशन कर दूँगी मैं स्क्रीन पर, तो
तो इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और ये भी कलर, ये ना तो रेड है ना ये पिंक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर आ रहा है, शेड अलग हो रहा है इसका, बट ये थोड़ा सा गाजरी कलर बोलेंगे इसको, या ना रेड है ना पिंक है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा कलर है। और फ्रेंड्स इसमें भी ग्रे वर्क आ रहा है, मेरे पास ग्रे का कुछ नहीं था, इस बार मेरा दिल ग्रे पर ही आया है और मैंने ग्रे चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं दिखाती हूँ आपको, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है और सी थ्रू नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये। फ्रेंड्स इसको मैंने तैयार करवा लिया है, मैं भी आपको इसका ब्लाउज दिखाती हूँ, मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश स्टिच करवाया है उसको, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ वो भी, पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी साड़ी पर ये इतनी जो रेशम वाली लेस है ये दी हुई है, और इस तरह के जो पैच वर्क्स हैं ये दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेस में हैं पैच वर्क, बहुत ही प्यारे पीस लगे हैं मुझे फ्रेंड्स, पूरी साड़ी पर इसी तरह से वर्क हो रहा है ये। फ्रेंड्स देखिए, ये इसका मैंने ब्लाउज सिलवाया है, ये यहाँ पर मैंने शॉर्ट स्लीव्स दी हुई हैं, ये ब्लाउज कह लीजिए या टॉप कह लीजिए कुछ भी बोल सकते हैं आप, ये मैंने दी हुई हैं। और फ्रेंड्स नीचे मैंने ये, और गला इसका मैंने फ्रेंड्स गोल ही रखा है। फ्रेंड्स इसके साथ की रेड चूड़ियाँ तो मेरे पास थी, प्लेन रेड चूड़ियाँ, और उसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन में लेकर आई हूँ ये फ्रेंड्स, ये वेलवेट की ग्रे चूड़ियाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से परचेज की हैं, ये आप देख सकती हैं, बहुत ही प्यारी हैं, ना किसी चीज़ में फ्रेंड्स ये लगने वाली हैं, जैसे कि चूड़ियाँ होती हैं फैंसी वो अटक जाती हैं और साड़ी हमारी सारी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए फ्रेंड्स अब की बार मैंने ये वाली चूड़ी परचेज़ की है सिंपल एंड सोबर, रेड भी प्लेन और ये भी प्लेन, और इसको मैं मिक्स एंड मैच करके आपको करवा चौथ पर ही दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स जो मैंने होम डेकोर के आइटम आप लोगों को दिखाए थे, तो फ्रेंड्स वो मैं आपको उसका एक डिफरेंट वीडियो लेकर आऊंगी अलग से, कि आप किस तरह से अपना ये जो सारे आइटम्स हैं इनको अपने घर पर यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपना घर सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था मेरा शॉपिंग हॉल का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स दिवाली आने वाली है, उन लोगों को भी शॉपिंग की और डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी मेरी वीडियो को देखकर थोड़ा सा आइडिया ले सकती हैं, कुछ शॉपिंग कर सकती हैं अपने लिए, और कोई गिफ्ट के तौर पर भी आप इन चीज़ों को खरीद कर किसी के लिए गिफ्ट कर सकती हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही देखते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग शॉपिंग हॉल्स मेकअप ट्यूटोरियल और सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।